Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's video is about the milkmaid and her pail. It is a short story about the milkmaid and her pail. Milkmaid कहते हैं जो दूध धोने वाली होती है और milkmaid होती है and her pail. Pail means a bucket. ऐसा bucket बर्तन type of बाल्टी जिसे कहते हैं जिसके अंदर वो milk लेकर आती है. So let's start this short story. Patty, the milkmaid, was going to the market carrying her milk in a pail on her head. As she went along, she began calculating what she would do with the money she would get for the milk. I will buy some fowls from Farmer Brown, she said, and then they will lay eggs each morning, which I will sell to the person's wife. पैटी मिल्कमेड का नाम है. पैटी पैटी वॉज गोइंग टू द मार्केट. पैटी जो कि एक मिल्कमेड है वो पेल में यानी कि एक बकेट में मिल्क लेकर जाती है मार्केट की तरफ और वो पेल उसने अपने सर पर रखा हुआ होता है. जैसे वो वहाँ से गुजरती है वो अपने जहन में ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देती है. वो सोचती है कि वो जो मनी इस मिल्क को सेल करके हासिल करेगी वो उस मनी का क्या करेगी. वो कहती है आई विल बाय सम फॉल्स. फॉल्स कहते हैं अ काइंड ऑफ बर्ड. फॉल्स लेगी फ्रॉम फार्मर ब्राउन और जो वो फॉल्स हैं ईच मॉर्निंग वो अंडे देंगे जो कि वो पर्सन्स वाइफ को सेल कर देगी. वो ये सोचती हुई वहाँ से जा रही होती है कि वो मिल्क सेल करके अंडे मिल्क सेल करके वो बर्ड लेगी और जो कि ईच मॉर्निंग एग्स देंगे और वो एग्स वो जाके सेल कर देगी पर्सन्स वाइफ को. विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स आई विल बाय माई सेल्फ अ न्यू डिमिटी फ्रॉक एंड अ चिप हैट एंड व्हेन आई गो टू द मार्केट वॉन्ट ऑल द यंग मैन कम अप एंड स्पीक टू मी. फिर वो और मज़ीद क्या सोचती है कि वो जो मनी उन एग्स से हासिल करेगी उसका वो क्या करेगी. वो कहती है उसका वो एक फ्रॉक और चिप हैट लेगी और जब वो फ्रॉक और चिप हैट पहन कर मार्केट में जाएगी तो सारे यंग मैन उससे बात करने के लिए आ जाएंगे. पॉली शॉ विल बी सो जेलस बट आई डोंट केयर आई शैल जस्ट लुक एट हर एंड टॉस माई हेड लाइक दिस. एज शी स्पोक दैट शी टॉस्ड हर हेड बैक and the pail fell off and all the milk was spilled. फिर वो कहती है कि ये सब देख के पोली शॉ तो बहुत जेलस हो जाएगी लेकिन मुझे क्या परवाह है. मैं उसको देखते ही अपना सर ऐसे झटक दूँगी. वो ये सोचती है और साथ ही अपना सर झटक देती है और उसके एक दफ़ा झटकने से जो वो मिल्क का पेल लेके जा रही थी वो सारा गिर जाता है और वहीं पे उसके सारी सोच ख़त्म हो जाती है. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. सो दैट वॉज टूडेज स्टोरी. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लेट्स लर्न इंग्लिश.